अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो आप लोग देख रहे होंगे जरा सीन वगैरह चेंज हुए हुए हैं, तो हाथ में मैंने बला चीज़ पकड़ी हुई है, 15 प्रो एलीट क्लास वाली चीज़ है। तो मैंने कहा क्यों ना आज जरा रिलैक्स होकर वीडियो बनाई जाए। तो भाई लोग, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी iPhone 15 Pro के प्राइजेस के बारे में। आप प्रो मैक्स का बताई जा रहे हैं, प्रो का नहीं बता रहे। तो भाई लोग, इसकी सेल 15 प्रो मैक्स से बहुत ज़्यादा कम है। ऑलमोस्ट 100 बंदा आता है तो तकरीबन उसमें से 15 या 20% कहता है कि हमें प्रो चाहिए। लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन में और काफ़ी ज़्यादा जो है ऑनलाइन जगह पर देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई 15 प्रो के ऊपर भी वीडियो आप लेकर आएँ। तो भाई आ चुकी है फाइनली। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, फिर यार जुलम है यार, 10,000 सब्सक्राइबर कराओ, कोई भाई की वैल्यू बढ़े यार। सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाओ और इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है हरमैनशाह01। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। JV के अंदर भी ठीक है, LLA का भी डिफरेंस है, कलर का भी डिफरेंस आ जाता है। JV का नॉन PTA, PTA प्रूफ के क्या इसके अंदर है, PTA प्रूफ का क्या टैक्स चल रहा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेट, मैं सारे लिखवा लाया हूँ ठीक है। मार्केट से मैंने डिफरेंट शॉप पर गया हूँ ठीक है, उन सारों से मैंने डिफरेंट डिफरेंट रेट्स लिए हैं। फिर जिसके हिसाब से मतलब मीडियम थे, ना ज़्यादा थे ना कम थे, तो वो रेट्स मैं लेके आ चुका हूँ। मैं आपको सबसे पहले ना बताऊँगा कि मैक्सिमम यानी जैसे कह लें HK मॉडल होगा और साथ में नेचुरल कलर होगा ठीक है। यानी ये दो कम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा, यानी ये मैक्सिमम है। इससे आपने डिफरेंस मैं फिर आपको एंड में बताऊंगा कि इतना कितना आपने काम कर लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करें 15 प्रो 128 GB JV की, अगर नेचुरल कलर की बात करें और HK वगैरह यानी फिजिकल और ई सिम वाली या ड्यूल फिजिकल सिम वाली, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा 2,37,000 रुपये में ठीक है। और इसके बजाय 15 प्रो मैक्स का डिफरेंस जो आ जाता है ना, वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। वो भी मिल रहा है 3,20,000 रुपये का ब्लू नेचुरल ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। बॉक्स पैक 128 GB JV और नेचुरल कलर 2,37,000 रुपये का। और उसके बाद अगर हम बात करें iPhone 15 Pro 256 GB JV की, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा 2,45,000 रुपये का ठीक है। ये रेट आज का चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 15 प्रो 128 GB फैक्ट्री अनलॉक की, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा 3,60,000 रुपये का ठीक है। ये JV जो प्राइस है ना, JV बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ रही है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो लेते हैं ना, तो 15 प्रो मैक्स ही लोग ज़्यादा लेते हैं, 15 प्रो जो है लोग कम लेते हैं, इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम है। JV के अंदर भी कम ही मिलता है, आपको मंगवाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें 15 प्रो 256 GB फैक्ट्री अनलॉक की, तो 3,80,000 रुपये का आपको ये फैक्ट्री अनलॉक देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर अगर 15 प्रो फैक्ट्री अनलॉक आपने लेना हो 128 GB, तो वो आपको ऑलमोस्ट 4,10,000 रुपये का नेचुरल टाइटेनियम देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट ब्लू 4,00,000 का पड़ रहा है, यानी 20,000 रुपये का डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें LLA और नॉर्मल में इसका कितना डिफरेंस है, वो है ऑलमोस्ट 20,000 का ठीक है। यानी LLA अगर मिसाल के तौर पे 3,30,000 रुपये का ना, तो आपको HK या जिसने जितने भी दूसरे हैं मॉडल, जो मतलब फिजिकल ई सिम या ड्यूल फिजिकल सिम, LLA जो होता है वो ड्यूल ई सिम आता है, USA वगैरह मॉडल होता है, तो वो आपको USA मॉडल 3,30,000 रुपये का मिलेगा LLA ठीक है। और 3,50,000 रुपये का बाकी सारे जो के फिजिकल और ई सिम या ड्यूल फिजिकल के साथ आते हैं, वो आपको 20,000 कॉस्टली पड़ेगा। और अगर हम कलर के डिफरेंस के बारे में बात कर लें, तो कलर के डिफरेंस में हमें 15,000 का डिफरेंस मिलेगा। अगर ब्लू सबसे ज़्यादा डिमांड है नेचुरल कलर की, जो कि नया आया है, उसके बाद है ब्लू, ब्लू और वाइट ठीक है, और ब्लैक आ जाता है। ये जो तीन कलर है ना, इनके अंदर 15,000 रुपया लेस आपको देखने को मिलता है। नेचुरल कलर जैसे 14 प्रो मैक्स में पर्पल आया था, वो महंगा था, मतलब स्पेशल कलर था ना, न्यू कलर था, तो इसी तरह ये नेचुरल कलर है, इसकी जो है वो प्राइस ज़्यादा होती है, 15,000 आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो मैंने पिछली प्राइसेस बताई हैं, इनमें आप उतना लेस कर लें, यानी अगर 15 और 35,000 लेस कर लें, तो आपको सबसे सस्ता आईफोन मिलेगा, और 35,000 ऐड कर लें, तो आपको सबसे मतलब महंगा आईफोन देखने को मिल जाएगा। अभी ये मैंने वो प्राइसेस बताई हैं जो कि सबसे महंगा जो मिल रहे हैं। ऊपर मैंने जो बताया 2,37,000, 2,45,000,
360 और 380, ठीक है। यानी सबसे सस्ता अगर आपने लेना है ना आईफोन, तो वो आपको 2.25 लाख रुपए के अंदर देखने को मिलेगा 15 प्रो। और सबसे महंगा जो आपने अगर लेना है तो वो आपको 3,85,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट इतना डिफरेंस है। और मैं आपको पीटीए का टैक्स भी बता देता हूँ। अगर हम 15 प्रो के पीटीए के टैक्स के बारे में बात करें, तो ये आपको ऑलमोस्ट पासपोर्ट के ऊपर 1,35,300 रुपये का पीटीए अप्रूव होगा। और वहीं पर अगर हम बात करें आईडी कार्ड के ऊपर, तो वो आपको 1,61,480 रुपीज़ इसका जो है वो पीटीए टैक्स है। और 15 प्रो मैक्स के अंदर और इसके अंदर टैक्स का तकरीबन ऑलमोस्ट 1,500 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। 1,500 तकरीबन जो है ना इसका 15 प्रो का लेस है, और मैक्स का पीटीए अप्रूव का टैक्स 15,000 ज़्यादा है पासपोर्ट के अंदर भी, और जो है आईडी कार्ड के ऊपर भी। पासपोर्ट वाला 1,35 का, और जो है आईडी कार्ड के ऊपर 1,61 का। यानी इनके अंदर भी तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। नेचुरल कलर का तो मैंने आपको बता दिया है, ब्लू का भी बता दिया है, और इनकी जो प्राइजेज आजकल चल रही है मार्केट के अंदर, इसके राउंड अबाउट ही आपको देखने को मिल जाएंगी। अब 15 प्रो की इतनी डिमांड इसलिए ज़्यादा नहीं है 15 प्रो मैक्स के बनिस्बत। पहले होता था 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता था कि उसकी स्क्रीन बड़ी है, ठीक है, और वो फ़ोन बड़ा है 14 प्रो मैक्स, और ये छोटा। यानी जो लोग छोटे फ़ोन पसंद करते हैं उनको 14 प्रो लोग ले लेते थे, और जो बड़े साइज़ के फ़ोन पसंद करते थे यूज़ करना, तो वो बड़े साइज़ के फ़ोन ले लेते थे। बाकी फ़ीचर्स का कोई डिफरेंस नहीं था होता, ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ सेम होता था। हाँ, बैटरी का डिफरेंस होता था, और साथ में स्क्रीन का और फ़ोन बड़ा होने का डिफरेंस होता था, बाकी इतना खास डिफरेंस नहीं था होता। लेकिन अब उन्होंने 15 प्रो में कैमरे के अंदर भी डिफरेंस रखा, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, मतलब कहेंगे कि 3-4 डिफरेंस ऐसे। ज़्यादा आप जिस चीज़ के पैसे पे कर रहे हैं ना, वो आपको उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी मेजर चीज़ें, और वही मेजर जो जिसमें हाईलाइटेड चीज़ें थी उसमें 15 प्रो मैक्स में, तो वही आपको चीज़ें 15 प्रो में कम मिलेंगी। और प्राइस भी जारी सी बात है फिर आपको कम मिलेगी, फ़ोन छोटा साइज़ का मिलेगा, बैटरी भी छोटी मिलेगी, और कुछ फ़ीचर्स भी आपको कम मिलेंगे, और उसके अंदर आपको फ़ीचर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। फ़ोन बड़ा है वो इस बाकी चीज़ें हैं, बैटरी भी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर 3x ज़ूम आता है, ऑप्टिकल जूम, जो आपको कैमरा जो था ना वो क्लैरिटी के साथ नहीं, सिर्फ आपको जैसे एक नॉर्मल कैमरा जूम करता है ना और पिक्सल फट जाते थे, तो वो वाला हिसाब था। ये 3x तक करता है, और वो 5x तक ऑप्टिकल जूम जो है वो सपोर्ट करता है, यानी पिक्सल वगैरह उसके फटते नहीं हैं, ठीक है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा कैमरा टेस्ट के अंदर देखा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है 15 प्रो मैक्स जो है, बिल्कुल भी पिक्सल वगैरह वो ऐसे ही लगता है कि नहीं आप बिल्कुल पास खड़े हो, लेकिन होता काफ़ी दूर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं शाह 01 है इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, 10,000 सब्सक्राइबर करा दो, सब्सक्राइब करो लाजमी। अल्लाह हाफिज़।